फैक्ट नंबर वन, गाइस अमूल एक फेमस डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर अमूल के आइटम्स यूज ना होते हों। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अमूल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है? ऐसा क्यों? दरअसल अमूल कोई कंपनी है ही नहीं, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां बहुत सारे किसान एक साथ आकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और यही नहीं, अमूल जब साल 1946 में बना था तो उसका मकसद ही किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना था, और इसीलिए आज अमूल करीब 36 लाख किसानों का एक ग्रुप बन चुका है और अमूल का प्रॉफिट भी इन 36 लाख किसानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। गाइस अब आप ही सोचिए और बताइए कि क्या अमूल को किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके किसान ही उसके इन्वेस्टर हैं। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों गणित के मामले में हमारा भारत शुरुआत से ही अव्वल रहा है। आर्यभट्ट के शून्य के आविष्कार से लेकर श्रीनिवास रामानुजम की थ्योरम तक हमारे गणितज्ञ ने पूरी दुनिया में डंका बजाया। लेकिन ये ख्याति हमें ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे गणितज्ञ ने कठोर परिश्रम किया है और बहुत बेजोड़ अभ्यास किया है। रामानुजम जी ने तो महज 10 साल की उम्र में ही मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि वो सातवीं कक्षा में थे तब वो बीए के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वहीं सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को ही रट लिया था और खुद के थ्योरम बनाना शुरू भी कर दिया था। दोस्तों वैदिक मैथ्स इसका जीता जाता उदाहरण है, और फिर चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या प्राइवेट एग्जाम हो या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, अगर आपको वैदिक मैथ आती है तो आपको इतिहास बनाने से कोई रोक नहीं सकता और आप आसानी से इन तमाम एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। सो देर किस बात की दोस्तों, आज ही कॉन्कर ऐप में हमारे एडवांस वैदिक मैथ कोर्स में एनरोल कीजिए। फैक्ट नंबर थ्री, गाइस आपके मन में भी कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में आखिर क्या चलता है, क्या उसे अपने घर परिवार को छोड़ने का दुख होता है। दरअसल ऐसे ही कई सवालों को जानने के लिए 87 साल के एक बुजुर्ग आदमी पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो मिर्गी से पीड़ित था। उसके मरने से कुछ समय पहले ईईजी मशीन से उसके दिमाग की रिकॉर्डिंग की गई, जिससे शख्स के दिमाग में एक्टिविटी के दौरान जो वेव्स दिखी वह एकदम वैसी ही थी जैसे कोई सपना देखते टाइम बनती है। 900 सेकंड की हुई रिकॉर्डिंग में बताया गया कि एक व्यक्ति मरते समय कुछ समय के लिए अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है, जिसमें हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स के साथ ही अपने किए गए बुरे कामों या रिग्रेट्स के साथ मरता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से यह भी पता लग सकता है कि इंसान के शरीर का कौन सा ऑर्गन मौत के बाद कितनी देर में डोनेट किया जा सकता है। फैक्ट नंबर फोर, साउथ इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, रिलीज के पहले दिन ही आरआरआर ने 220 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इंडिया में 156 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके राजामौली की ही बाहुबली 2, मार्वल की अवेंजर और डीसी की बैटमैन को धूल चटा दी है। यही नहीं, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने अमेरिका में भी 22 करोड़ रुपए कमाकर सभी भारतीय फिल्मों को यूएस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है। यानी कि देश हो या विदेश, हर जगह सिर्फ आरआरआर का ही डंका बज रहा है। बहरहाल जिस तरह से ये ओपनिंग हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आरआरआर आगे चलकर 1000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को भी छू सकती है। गाइज आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।